नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बक्सर, पटना, खगड़िया और मुंगेर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश की अन्य नदियां भी उफान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों का किया सर्वेक्षण। वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन, फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय। और राज्यपाल फागू चौहान ने कुपोषण के खतरे के प्रति वंचित वर्ग के लोगों के बीच जागरूकता के प्रसार पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न भागों के साथ ही नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा से प्रदेश की अधिकतर नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बक्सर, पटना, खगड़िया और मुंगेर जिले में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान को पार कर गई है। भोजपुर में कई निचले इलाकों में सोन नदी का पानी फैल गया है। सोन नदी पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक खगड़िया में, जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गई है। कोसी नदी सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और निचले इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों का आज सर्वेक्षण किया। श्री कुमार सड़क मार्ग से पटना के दीघा घाट पहुंचे। इसके बाद वैशाली के सोनपुर इलाके में दियारा क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और इसके कारण निचले इलाकों में बढ़ रही परेशानी के मद्देनजर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हालात पर राज्य सरकार की पैनी नजर है और प्रभावित लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा विभाग और संबंधित जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। श्री कुमार कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आकाश में बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 14 सेंटीमीटर वर्षा भभुआ में दर्ज की गई। वहीं सुरसंड, बसुआ, वाल्मीकि नगर, सोनवर्षा, वीरपुर, मोहनिया और ढेंग ब्रिज में 2 से 4 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय पोषण मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि मौजूदा पोषण माह के दौरान सरकार देश के उन 250 जिलों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां कुपोषण की समस्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुपोषण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास इन जिलों में कुपोषण की स्थिति में सुधार करना है। बच्चों का कुपोषण एक ऐसे स्तर पे है जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होना चाहिए। हालांकि पिछले 4 साल में हमने काफी सफलता पाई है कि इसको हमने 38% से लेकर 34% तक हम एक देश के स्तर पे ले आए हैं, और अभी भी करीब 250 जिले ऐसे हैं जिनमें कि बच्चों का कुपोषण करीब करीब 50% बच्चे हमारे कुपोषित। तो हमें इन्हीं जिलों पर अपना फोकस करना है, हमें इन्हीं जिलों पर अपनी जो है वो मुहिम चलानी है। इसी अगर इन जिलों में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तो हमारे राष्ट्र का स्तर भी बेहतर हो जाएगा। इसी से हमें अपने महिलाओं के लिए भी भरसक कोशिश करनी है कि कैसे उनका एनीमिया दूर हो, क्योंकि एक कमजोर और एनीमिक माँ एक कुपोषित और स्टंटेड और अंडरवेट बच्चे को जन्म देती है। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि कमजोर और वंचित वर्ग की महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। श्री चौहान ने राज्य में चल रहे पोषण माह के अंतर्गत पटना से अन्न प्राशन समारोह का उद्घाटन किया।
श्री चौहान ने लोगों के बीच कुपोषण के खतरे को बताते हुए समुचित जानकारी देने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह का फिर से जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है। इस पद के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज श्री सिंह के अलावा किसी ने भी पर्चा नहीं दाखिल किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 9 जिलों में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे समय रहते घायलों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाई जा सकेगी। श्री पांडेय पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर काम करने लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 22 जिला सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। सातवें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा है कि नगर निकायों को अपने राजस्व में वृद्धि के लिए ठोस और कठोर उपाय करने होंगे। दरभंगा समाहरणालय के अम्बेडकर सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि नगर निकायों की आय बढ़ने से नगर में विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों को कर प्रणाली को अपडेट करने के साथ ही नागरिक सुविधाओं को भी विकसित करने के उपाय ढूंढना होगा। समस्तीपुर सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक डीके श्रीवास्तव इंडियन डेयरी एसोसिएशन के पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इस वर्ष संपन्न संघ के 10 पदों में से 9 पर बिहार के लोग चुने गए हैं। गौरतलब है कि देश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने और पशुपालकों के आर्थिक विकास में यह संस्था अहम भूमिका निभा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और किसान शैलेंद्र कुमार मिश्र को भारतीय खाद्य निगम FCI बिहार की परामर्शदात्री समिति का सदस्य पुनः मनोनीत किया गया है। श्री मिश्र पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज क्षेत्र के निवासी हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर हस्ती टोला से पुलिस ने 560 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इधर गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 400 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी नीतीश और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 3 पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किया गया है। पटना के कारगिल चौक पर माकपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में गिरती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एग्जीबिशन रोड में ठेला चालकों ने दिन के समय ठेले के लिए नो एंट्री व्यवस्था लागू करने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। कटिहार जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोंगरा फाटक के पास पुलिस की मुस्तैदी से 3 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा बाजार में पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर प्रक्षेत्र के DIG मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस ने लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत कछुआ जंगल में नक्सलियों के साथ साठगांठ कर संचालित किए जा रहे दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बक्सर, पटना, खगड़िया और मुंगेर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश की अन्य नदियां भी उफान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों का किया सर्वेक्षण। वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय। और राज्यपाल फागू चौहान ने कुपोषण के खतरे के प्रति वंचित वर्ग के लोगों के बीच जागरूकता के प्रसार पर दिया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।